हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की दिली मुबारकबाद। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन हमें मिली थी आजादी, और ये आजादी हमें दिलाई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और हमारे देश को आजाद करवाया। दोस्तों, आज आजाद हुए हम लोगों को 70 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री कहलाता है कि हम लोग डेवलप्ड नेशन से पीछे हैं, हम लोग डेवलपिंग के फेज में हैं। तो मैं आप लोगों से यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी चीज़ें हम लोग आजकल सुन रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो कि इधर उधर से सुनने में आ रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करें और उनसे आगे बढ़ें। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए जो एफर्ट्स किए थे, आज वही एफर्ट्स हमें करने हैं अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। और मेरे सब लोगों से यही कहना है कि हम सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश भी एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं तो उसको आज बिल्कुल खत्म करके ही मानेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। और अगर आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियोस बना रखी हैं, उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर इधर आपको आई बटन में भी एक लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो सारी वीडियोस देखी हुई है तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कोलाइड्स की। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तरफ टू सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो मीडियम जो उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। मतलब अब तो होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उस सॉल्यूशन में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो इतने छोटे हैं कि उनका कोई भी एग्जिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दूर से पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये एक सॉल्यूशन है या फिर इसमें सिर्फ पानी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी तरफ क्या बताया था मैंने, सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन का बनते हैं, जैसे आपके थोड़ी सी मिट्टी लो, पानी में घोल दो, क्या होगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा मिट्टी थोड़े टाइम के बाद में पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो एक तरफ होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा या ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक तरफ सस्पेंशन होगा, उनके बीच में जो आते हैं वो होते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि उनमें जो मीडियम पार्टिकल होते हैं, मतलब कोलाइड जिस चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है या फिर जो उसका डिस्पर्स फेज होता है, उसकी जो साइज होता है वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब 10^-9 meters से लेकर 10^-6 meters। तो ये सब लोगों आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो पहले हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स पढ़े थे, उसके बाद में क्या पढ़ा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो दोस्तों, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का क्या मतलब है कि जैसे कि हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं कभी कभी। तो प्यूरिफिकेशन नथिंग बट लाइक रिमूविंग द इम्प्योरिटीज टू अ रिक्वेस्टेड मिनिमम वैल्यू, कि हम कोलाइडर सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज को बिल्कुल एक मिनिमम वैल्यू जितने हम हटा सकते हैं या इतनी वैल्यू पर जिस पर उसको प्योर मान लिया जाएगा, उसी प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम दो तीन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है डायलिसिस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो फर्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायलिसिस। तो दोस्तों, ये डायलिसिस क्या है, डायलिसिस है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज फ्रॉम अ कोलाइडर सिस्टम बाई मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन। मतलब कुछ नहीं है यार, जैसे कि कोलाइडर सॉल्यूशन है, हमारे कुछ डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है, मतलब ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो कि क्या बिल्कुल सॉल्यूशन में घुल चुकी है, जिन्हें हम लोग जो है नॉर्मली फिजिकली नहीं हटा सकते। तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायलिसिस यूज करते हैं। तो डायलिसिस का सिंपल सा अपैरेटस होता है, वो दिखा देता हूँ बना के, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे मान के चलो, ये है हमारे पास में कंटेनर, ठीक है, कोई बीकर मान लो या कुछ भी है, ठीक। उसके हमने क्या किया, हमारे पास में एक है डायलिसिस मेम्ब्रेन, कैसे दिखती है थोड़ा सा ऐसे मान लो कि ये है एक डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर से चाहो तो बंद कर दो। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आपने क्या किया, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है वाटर, ठीक है। और ऐसे भी मान सकते हो कि इसमें अगर ऐसे हम बनाने के दिखाना चाहें तो ऐसे भी मान सकते हो कि यहां से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो हो रहा है, क्योंकि वाटर कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है और एक साइड से मान लो कंटिन्यूअसली रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, वाटर, ठीक। आप देखो उसमें होगा क्या कि जो मेम्ब्रेन है,
इसको क्या बोल सकते हैं, एनिमल ब्लैडर बोल सकते हैं, या फिर एनिमल ब्लैडर हो सकता है, ये एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, एक सेलोफेन की मेम्ब्रेन हो सकती है। तो कुछ नहीं यार, ऐसे सिंपल समझो कि मेम्ब्रेन मतलब क्या है, कि ऐसा कोई तो ऐसी चीज़ है जैसे हम किसी चीज़ को फिल्टर कर सकें, फिल्टर पेपर की जैसा समझ लो, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, इसमें अब ये कर सकते इससे हम, तो इस मेम्ब्रेन में क्या होगा कि जितनी भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है, जैसे मान लो कोलाइडर सॉल्यूशन में NaCl ज़्यादा है जो हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि इसमें जो पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें क्या होगा कि कोलाइडर जो कोलाइड्स के पार्टिकल हैं वो तो उसमें ही रहेंगे, उसके अलावा जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है, जैसे मान लो कुछ आयन्स हैं, सोडियम के आयन है, पोटेशियम के आयन है, क्लोरीन के आयन्स हैं, वो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वाटर एंटर कर सकता है, क्योंकि जब वाटर, हाँ तो वाटर इसके अंदर एंटर कर सकता है, और उसके साथ में क्या हो सकता है, जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल सकती है। तो ऐसे क्या करेंगे आप, 3-4 बार इस राउंड साइकिल को करेंगे कि एक बार वाटर पास किया आपने, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका कोलाइड जो है काफ़ी ज़्यादा प्योर हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। अब देखो ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, डायलिसिस क्या है, इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उनको क्या होता है, उनका यही काम कर, हाँ उन लोगों के लिए डायलिसिस बहुत हेल्पफुल है। क्यों, आप देखो ब्लड क्या है, ब्लड भी एक तरह का हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं, RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, और ये सारे सेल्स कैसे हैं, वैसे भाई 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर से बड़े ही रहेंगे, मतलब उसी के 1000 नैनोमीटर हो गया आपका 1 माइक्रोमीटर, तो 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर के साइज के आसपास के सेल्स रहते हैं। तो अगर उतने सेल्स होंगे तो वो क्या, वो ब्लड एक कोलाइडल सिस्टम है। अब कोलाइडल देखो ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत सारे और कंपाउंड्स होते हैं, ब्लड में यूरिया बन गया, उसके अलावा ब्लड में बहुत सारे आयंस हो गए जो हमारी बॉडी में अगर मान लो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर किसी की किडनी खराब है, किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है। अब जिन लोगों की किडनीज खराब है उनके लिए ये डायलिसिस किया जाता है, तो क्या कहता है, सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकला जाता है, बॉडी से मतलब धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं, एक आगे डायलिसिस में जो है पूरा एक सेटअप रहता है, उसके अंदर ब्लड जाता है, और सेम इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि उससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल जाती हैं और ब्लड दूसरी साइड से फिर से बॉडी को दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेस उसमें काम आती है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनी खराब है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही देखना है कि हमारे जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ थी, ऐसी इम्प्योरिटीज जो हम लोग वैसे नहीं सेपरेट कर सकते थे, वो क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन जो है बना के दिखाई है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू बाहर निकल गए। तो ये पहला हो गया हमारा डायलिसिस। दूसरा क्या है, वो है इलेक्ट्रो डायलिसिस, लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो डायलिसिस। अब यार देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, करंट को और लगा दिया। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज मान लो कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सोडियम आयन से या पोटेशियम आयन से या क्लोरीन आयन से, तो उन पर कोई ना कोई चार्ज रहेगा। तो अगर हम क्या करें, इसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रोड्स भी लगा दें, जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक एनोड लगा दिया, ठीक है, और इधर मान लो, दोनों एक ही पेन से दिखा देते हैं, जाने दो, इधर एक कैथोड लगा दिया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अभी क्या होगा, जितने भी हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो सारे के सारे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन से, वैसे ही जितने भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली आपका डायलिसिस प्रोसेस वही रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक अपने हिसाब से हो रही थी, वो एकदम डिफ्यूजन के हिसाब से हो रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, उस डिफ्यूजन को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद में और एक्टिव बना दिया, वो डिफ्यूजन बहुत ही एक्टिवली हो रहा है, पहले पैसिवली हो रहा था, अपने आप हो रहा था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और ज़्यादा बढ़ गई है वो प्रोसेस। तो दो गए, डायलिसिस हो गए, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। थर्ड क्या है, जो थर्ड लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नाम ही समझ में आ रहा है किसी को, फिल्टर करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही एक छोटे, मतलब ऐसे जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी आप अलग कर सको, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप की फिर से एक फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर में भी क्या है कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आपका डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं, वो उसे बाहर ना निकल जाएं, उस मेम्ब्रेन को या फिर उस फिल्टर पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। सॉल्यूशन का नाम होता है कोलाइडॉन, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कोलाइडॉन सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका 4% नाइट्रो सेलुलोज प्लस ईथर प्लस एल्कोहल। तो बेसिकली ये है क्या कि आपके पास में एक फिल्टर पेपर था, उस फिल्टर पेपर को आपने कोलाइडॉन सॉल्यूशन में सोक कर दिया, मतलब उसके अंदर आराम से डुबा के रख दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इसके अंदर सॉल्यूशन है 4 नाइट्रोसेलुलोज, ये क्या करेगा, उसके जो कि फिल्टर पेपर के पोर्स थे उनको और ज़्यादा जाके फिल कर देगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपका फिर से वही कि कोलाइडर पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगे, और सारी इम्प्योरिटीज जो है जो कि कोलाइडर सॉल्यूशन से छोटी हैं वो सारी की सारी इसके थ्रू निकल जाएंगी, ठीक। तो ये है हमारा कौन सा प्रोसेस, ये है प्रोसेस आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो जैसे कि अब देखो इसमें क्या होगा कि पोर साइज बहुत छोटा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक आप फिल्टर पेपर के पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। अब प्रोसेस को स्लो करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे देखो फिल्टर पेपर पे, तो क्या होगा उससे चीज़ें जल्दी फिल्टर होंगी, जल्दी पास होंगी, तो उसको फिल्टर करके आप लोग जो है प्रोसेस को तेज कर सकते हो। उसके बाद होगा क्या, ऊपर फिल्टर पेपर के देखो सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। फिल्टर पेपर के ऊपर आपको जो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कोलाइडल पार्टिकल्स, कैसे एक तरह से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेंगे। उनको क्या करोगे, आप फिर से डिस्पर्स फेज डाल दोगे उसके अंदर, मतलब एक डिस्पर्स फेज में उसको मिक्स कर दोगे, तो फिर से बन जाएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोराइड्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम में डायलिसिस के आने के थोड़े ज्यादा चांसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जहां तक मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो उसमें कुछ इतना है नहीं। सिर्फ बोलो कि हमें जो है एक फिल्टर पेपर है, उसके थ्रू जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को हम पास कर रहे हैं, और उसके बाद उसके थ्रू कोलाइड्स को पास कर रहे हैं, और उसमें हो क्या रहा है कि कोलाइड्स ऊपर रह जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें पास हो जा रही हैं उसके थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बात खत्म हुई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। तो अब यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है पहले से, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब आप लोगों को हमने बताया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कोई बात नहीं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था, एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उनके नंबर पर डिपेंड करें। ठीक है, वहां पर किस पर डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके एग्जांपल आप लोगों को पता ही है क्या क्या है, उसमें है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सारी की, और उसके अलावा हाँ ऑस्मोसिस। तो दोस्तों जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होता है कि अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उनको कंपेयर करें तो उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से क्या होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन जो एक कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा हाई ऑर्डर की शो नहीं कर पाएंगे, क्यों, इनका पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। अब देखो ना, अगर आपने एक लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें आपको ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्यों, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स खुद से बड़े हैं या फिर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा शो करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो उतने हाई मैग्नीट्यूड या इतने हाई ऑर्डर की शो नहीं करेगा जितनी एक ट्रू सॉल्यूशन करता है, तो बस इतना और कुछ नहीं इसके अलावा। सेकंड लिखते हैं, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब अगर आपने क्या किया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया और उससे जब लाइट आप पास करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका लाइट जहां से पास हो रही है सॉल्यूशन से, वो क्या होगा वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर करेंगे, मतलब लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको क्या होगा कि वो पार्टिकल्स दिखने लगेंगे। अब देखो सब लोगों को पता है, सब लोगों ने ये देखा हुआ है, आपने हमेशा देखा होगा जब भी कभी सनलाइट की प्रेजेंस में आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जब जहां से सनलाइट आती है आप देखो वैसे देखोगे तो डस्ट पार्टिकल कभी आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर सनलाइट की में आप देखोगे कि घर में कभी सनलाइट आती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल से उड़ते हुए नजर आते हैं, वो क्या है, वो एक कोलाइड, वो है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने नोटिस किया था, और उसके बाद क्या हुआ, टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पे मैं भी आपको एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ टिंडल इफेक्ट का, वो आप देखना हा? तो ये डेमो देने के लिए मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो मैं लाइट बंद करता हूँ, आप लोग कहीं जाना मत, और थोड़ा सा लाइट, हाँ लाइट थोड़ी अब डिम हो गई है, अभी देखते हैं। देखो ये है मेरे पास में एक वाटर, ये कैसा टैप वाटर है, मतलब कि टैप वाटर में भी क्या होता है कि थोड़े बहुत जो है हमारा जो सैंड है या फिर बहुत छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो एक तरह से ये है कोलाइडल एक तरह का ये है हमारे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये है मेरे पास में एक छोटी सी नॉर्मल सी लेजर लाइट। अगर देखो मैं सॉल्यूशन के थ्रू पास करवा रहा हूँ और आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, देखो और देखिए आप, जैसे ये देखो इससे लाइट तो पास हो रही है आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आपको क्या इसमें दिख रहा है, इसमें इस लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे जैसे लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ आपको वो चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर इसी की जगह मैंने क्या होता है डिस्टिल वाटर लिया होता तो उसमें क्या होगा कि लाइट यहाँ से एंटर होकर बाहर निकल जाएगी, लेकिन बीच में उसको क्या होगा आपको कोई भी पाथ उसका दिखाई नहीं देगा। जैसा कि क्या हो रहा है देखो इसमें कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि लाइट जो पास हो रही है उसका पाथ नजर आ रहा है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो यही है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब लाइट को वापस ऑन करते हैं दोबारा से,
राइट तो आप लोग समझ गए कि किंडल इफेक्ट कैसे हो रहा है। अब इसके अलावा देखो मैंने डस्ट वाला आपको सनलाइट वाला एग्जांपल दिया, उसके अलावा इवन सब लोगों को पता है मूवी हॉल्स में जो आप लोग देखते हो, मूवी में जाते हो ना ऊपर से जो प्रोजेक्टर की जो लाइट आ रही होती है और जो स्क्रीन पे आके पड़ती है उसमें भी आपको डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, तो वो भी क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। तो अब इसमें आप लोगों को एक और नई टर्म पड़ी होगी यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, वैसे अब कुछ बचा तो है नहीं डायग्राम बनाने क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया। ये मान लो एक बीकर है जैसे मैंने अभी दिखाया, इसमें क्या है हमारे पास में है कोलाइडल पार्टिकल, मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। अब इस पे क्या है, इस पे आप लोग एक लाइट बीम को इंसिडेंट कर रहे हो, मान लो एक लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, जैसे मान लो ये कोलाइडल पार्टिकल है, जो भी इसके पाथ में आएगा वो क्या करेंगे लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देंगे और आपको जो लाइट का जो है पाथ देखने को मिलेगा जैसे आपने अभी देखा था। तो यही है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, तो टिंडल इफेक्ट होने के दो रीजन है, देखो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट रीजन जो है टिंडल इफेक्ट का वो है कि जो वेवलेंथ है लाइट की, जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एक रेड लेजर को यूज किया था, तो जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं लाइट की वो जो है पार्टिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन में उनके डायमीटर में और लाइट की वेवलेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो जो हमारी विजिबल लाइट होती है वो होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में, मतलब 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और कोलाइडल पार्टिकल की रेंज क्या बताई थी मैंने, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कोलाइडल पार्टिकल का डायमीटर है और जो हम लोग जिस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसी वजह से वो कोलाइडल जो इसी वजह से जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, या फिर सस्पेंशन जो है वो भी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर निकल जाता है पार्टिकल का साइज, तो लाइट का जो भी स्कैटरिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हमारा जो डायमीटर है कोलाइडल पार्टिकल्स का वो जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं लाइट की उसी के आसपास है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि जो दोनों डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है उन दोनों के अंदर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस है, इसी वजह से क्या होता है आपको स्कैटरिंग दिखाई देती है। अगर दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो आपको एक तरह की स्कैटरिंग नहीं दिखाई देखने को मिलेगी, जैसे कि होता है हमारे ट्रू सॉल्यूशन के केस में, ठीक। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा अपने बुक में आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को लिखा होगा टिंडल कोन, एक नया टर्म है कि द ब्राइट कोन फॉर्म्ड इन अ व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल कोन। अब आप जब मैं था 12th क्लास में तो मुझे कभी वो कोन समझ में नहीं किया है, तो उसका आप एग्जांपल ऐसे उल्टा देखो, जैसे फिर से वही मूवी हॉल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा था एक छोटा सा पर्टिकुलर एक स्पेस होता है जहां से जो है वो उसकी प्रोजेक्टर की लाइट आ रही होती है, या फिर एक प्रोजेक्टर की बात कर लो तो प्रोजेक्टर में क्या होता है जो उसका लैंप होता है जहां से लाइट बाहर आ रही थी वो छोटा सा रहता है, उसके बाद क्या होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड होती जाती है स्पेस में, तो क्या होता है कोन की शेप में वो आगे बढ़ रही है, तो वही टिंडल कोन कहलाता है। कि पहले क्या होगा कि जो छोटा सा अपर्चर रहेगा उसमें से लाइट पास हो रही है तो सिर्फ उतने ही आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे से क्या होगा आपको पार्टिकल की रेंज भी बढ़ती चली जाएगी, तो वो एक कोन की शेप में आगे बढ़ता है तो वही हो जाती है टिंडल कोन। तो इसलिए टिंडल कोन से कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, उसको वैसे ही रहने दो, और कोई आपसे डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा कि टिंडल कोन होती क्या है, बस आपको टिंडल इफेक्ट आएगा तो आप बस लिख दो सीधा सा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, बस खत्म। तो देखो हमने ये क्या पढ़ लिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, हाँ फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने पहला पढ़ लिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ लिया टिंडल इफेक्ट, इसको हटाते हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कलर, क्या है कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कलर क्या है, कलर बहुत ही सिंपल है, कलर डिपेंड करता है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स है, मतलब जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे उस पर कलर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपको देखा होगा सी वाटर का कलर ब्लू है या स्काई का कलर ब्लू है, तो स्काई में जो भी पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो एक ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसी वजह से उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट को वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर रहे हैं। तो कलर की बात पे इसलिए ज्यादा डिटेल में और हम नहीं जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्राउनियन मोशन, लिख देते हैं यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या होता है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने जो कि एक बॉटनिस्ट है, नाम लिख देते हैं उनका, किसने ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी। खैर उसको जाने देते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है ये बात करते हैं,
तो अभी होता क्या कि अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लोगे एक और इसको एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल पार्टिकल वो एक जिगजैग मोशन में दिखाई दे रहे होंगे। जिगजैग मोशन का मतलब कुछ इस तरह का, एक पार्टिकल इधर है, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इस तरह के जेड वाले जेड के फॉर्म में से मूव कर रहा होगा वो। तो ये इसी मोशन को सबसे पहले रॉबर्ट पॉम ने देखा था और उन्होंने इसको बोला, क्या बोला, अपने नाम के ऊपर इनको जिसको रखा मूवमेंट को। तो सबसे पहले इन्होंने इसको बताया एज अ तो इस मूवमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने नोटिस किया और उसका नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये होता कैसा है कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड वाले, वो क्या करते हैं कि जो जिस सॉल्यूशन में है वो, मतलब जिस डिस्पर्जन मीडियम है, उससे जाके टकराते हैं। जब वो सॉल्यूशन वाले पार्टिकल से टकराते हैं फिर क्या होता है कि टकराने से फिर कहीं एक साइड रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फिर दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं फिर दूसरी साइड रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, जिगजैग मोशन शो कर होता रहता है। और इसी मोशन की वजह से, जो कंटिन्यूस मोशन चलता रहता है, इसी वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते। जैसे कि हमने देखा था प्रेसिपिटेट, जो कि हमारा जो सस्पेंशन के केस में, जैसे कि हमें पता है कि जो अगर हम सैंड डाले पानी में तो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिगजैग मोशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उस मोशन के चलते रहने की वजह से ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते और इसलिए हमारे जो कोलाइड पार्टिकल्स है वो होते हैं स्टेबल। तो ये बात हो गई इसकी ब्राउनियन मूवमेंट की। उसके नेक्स्ट पे आते हैं, उससे पहले इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है वो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो अभी जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन पे क्या रहता है, कोई ना कोई चार्ज रहता है। इसी वजह से क्या कर सकते हैं, उनको आप पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स या पॉजिटिवली चार्ज सॉल्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्स, और ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्स। ठीक, सॉल्स क्या होगा, वही कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इसमें हमारी आती है, इसमें आती है बेसिक डाइस, जो एसिड बेस वाला होता है ना वो अलग है, बेसिक डाइस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका मिथाइलिन ब्लू। उसके अलावा इसमें आपको पता गया हीमोग्लोबिन, मतलब जो ब्लड आ गया बेसिकली एक तरह से, ये भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर इसकी बात करें नेगेटिवली चार्ज सोल्स की, तो उसमें आ जाते हैं आपके एसिडिक डाइस। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा होगा, इसका एग्जांपल होगा इओसिन, कॉन्गो रेड, तो ये सब एसिडिक डाइस के नाम है। उसके अलावा यहाँ पे कितने भी जो मेटेलिक सॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कॉपर का हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो उनके जितने भी सॉल्ट होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो ये तो मैंने आपको दो तीन एग्जांपल बता दिए, आपकी बुक में और भी ज्यादा दे रखे हैं। लेकिन अब ये सब इन पे जो चार्ज है वो आता कैसे है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए इसको मुझे फिर से हटाना पड़ेगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए इरेज करता हूँ। हम लोग ये बात करते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्ट्स के ऊपर चार्ज आ रहा है वो आ कैसे, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे कि ऐसे मानो कि एक मेरे पास, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, क्या तरीके बनाते हैं, एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपके पास में एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के लिए मान लो आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड KI का सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपने क्या किया, इसमें एक और सॉल्यूशन ऊपर से ऐड किया, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, मतलब AgNO3 को आपने इसमें ऐड कर दिया ऊपर से। ठीक, अब इसके दोनों के ऐड होने से क्या होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, वो होगा आपका AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AgI बन गया यहाँ पे। अब देखो, एक मैं दूसरा यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब बनाते हैं और फिर वहां पे फिर दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो किसका है, वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, और इसमें हम जो ऊपर से ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड KI। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो सेम ही बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका AgI, इधर भी बना AgI। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट आ जाएंगे। देखो कैसे होगा, ये समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग AgNO3 को ऐड कर रहे थे KI में, मतलब जो है KI का अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू AgNO3। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें I फिर से आगे एब्जॉर्ब हो जाएगा, I नेगेटिव की फॉर्म में। तो एक तरह का ये कैसा बना, ये बना आपका नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हो और यहाँ पे AgNO3 ज्यादा अमाउंट में है, तो AgI तो बन गया। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो है सिल्वर आके एड्सॉर्ब हो जाएगा इस
कोलाइडल पार्टिकल्स की, हाँ, इस कोलाइडल सॉल्यूशंस में आके तो ये बना लेगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो आप इन दोनों एग्जांपल आपने क्या देखा कि जो कोलाइडल सॉल्व बन रहा था वो सेम ही बन रहा था, बट क्या हुआ, एक नेगेटिवली चार्ज बना, एक पॉजिटिवली चार्ज बना। उसका यही सबसे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आया कि आपका जब आई बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा पोटेशियम आयोडाइड है तो AgNO3 कम है तो AgI बना लिया और I एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे क्या रहा, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे AgNO3 बहुत ज्यादा अमाउंट में तो AgI तो बन गया, उसके अलावा क्या हुआ फिर सिल्वर ही आके एब्जॉर्ब हो गया, तो ये बन गया पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो ये हो गए हमारे कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उन पे कैसे चार्ज आता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्या बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा बैलेंस करने के लिए जो है वो आई आ जाएगा, यहाँ पे आई नेगेटिव, ठीक। और ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पॉजिटिव, ठीक। अभी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज ऑलरेडी था और उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर चार्ज आ गया। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों के देखो अलग अलग नेम यूज होते हैं। जो चार्ज पहले से आ रखा था, मतलब जैसे ये क्या था, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन था, तो इसको हम लोग जो चार्ज आया है एजी पे, तो ये फिर जो सिल्वर जो बाद में आके एब्जॉर्ब हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लेयर, फिक्स लेयर। और जो चार्ज पार्टिकल बाद में आया है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर, ठीक है। सेम इधर ही होगा, जो आई माइनस है वो यहाँ पे फिक्स लेयर है और जो के प्लस है वो क्या है, डिफ्यूज लेयर। मतलब जो फिक्स लेयर जो पहले से था चार्ज वहां पे, और दूसरा डिफ्यूज लेयर जो कि बाद में आया है। तो अब क्या होता है कि देखो ये प्लस है, एक माइनस है, दोनों में चार्जेस अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, तो आप सिंपली वहां पे लिख दोगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस नोन एज जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं, उसमें चार्जेस आते हैं, कैसे चार्जेस आते हैं, तो जिसका सॉल्यूशन ज्यादा होता है उसका वाला आयन वहां पे आ जाता है और वैसे वो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बन जाता है, ठीक। तो उसको सबको हटाते हैं यहाँ से, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही सिंपल सा है, लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे अभी देखा आपने कोलाइडर जो सॉल्व है वो कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से। तो अगर उसमें आपको एक पर्टिकुलर क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे या फिर मतलब करंट पास करवा दोगे, तो क्या होगा कि जो जैसे अगर कोलाइडर सॉल्व पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, या फिर कोलाइडर सॉल्व अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड चला जाएगा। तो वही है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका बैटर्स कैसे होता है वो बना के दिखा देते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें इतना। तो वो ये रहा, ऐसे मान लो एक आपकी यू शेप ट्यूब बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्यूब को कर दिया यहाँ पे बंद, इधर लगा दिया दो इलेक्ट्रोड, मान लो यहाँ पे हमने जो लगा दिया, ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और इधर एक लगा देते हैं, क्या है आपका, ये मान लो आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और बीच में क्या है, बीच में है हमारे पास में कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्व बहुत सारे, ऐसे बना देते हैं। तो अगर जैसे हम मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किधर मूव करेंगे, ये जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारे के सारे किधर जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और एक टाइम पे क्या होगा, सारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ये सारे पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया आपने, कोई ऐसी यहाँ पे लेयर लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स रुक गए, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उसे उसके थ्रू मूव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उसमें वाटर होगा या फिर जो भी डिस्पर्शन मीडियम होगा हमारा, वो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा इस कोलाइडल पार्टिकल्स की जगह पे। तो इसको हम लोग फिर बोल देंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये टर्म हो गई इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, जब हमने क्या किया, जो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे उनको रोक दिया, और उसको रोकने की वजह से क्या हुआ, जो डिस्पर्शन मीडियम था वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिंपली तो वो हुआ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, और ये क्या था, मूवमेंट ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट, वो था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी बुक में डायग्राम दे रखा है, आप लोग वहां से बना लोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात खत्म हो गई, नेक्स्ट आते हैं सेवन पॉइंट पे, हाँ सेवन पॉइंट पे, वो क्या है, वो है कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। हटाते हैं यहां से,
तो कॉग्रेशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब पता ही है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्स है उनको क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर निकालना है, तो उसको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट कैसे होगा, जैसे अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखाया कि जो इतने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे सारे के सारे पहुंच गए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे उनको नेगेटिव चार्ज मिल गया, एक साथ इकट्ठे हो गए और वहाँ पे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। या फिर जैसे अभी आपको बताया इस पर क्या होता है कि चार्जेस होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, तो अगर आप क्या करोगे कोई अपोजिटली चार्ज उसको आयन प्रोवाइड कर दोगे, जैसे कि लेट्स से कोई कोलाइडल सॉल्व पॉजिटिवली चार्ज है, आपने क्या किया बहुत सारा उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद जो सॉल्यूशन में है वो सॉल्यूशन में नहीं रहकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा। तो वो हो गया था प्रोसेस ऑफ सेटलिंग कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो बस उनको आपको सेटल डाउन करना है सॉल्यूशन में। तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक जगह पे पहुंच जाएंगे फिर वो सारे आप प्रेसिपिटेट कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको बॉयल कर सकते हो, अगर आप बॉयल करोगे तो भी यही काम होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तीसरा क्या है कि आप कंटिन्यूस डायलिसिस करते रहो, एक परसिस्टेंट डायलिसिस करते रहेंगे। तो डायलिसिस में भी क्या देखा था कि जो आयन से वो निकल जा रहे थे कोलाइडल पार्टिकल्स या सॉल्व उस मेम्ब्रेन के अंदर रह रहा था जिसकी हमने बात की थी। यहाँ पे क्या होगा, बहुत बार डायलिसिस किए जा रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि जितने भी चार्जेस उस कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबल बना रहे थे वो सारे हट जाएंगे और कोलाइड जो है हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये तीन तरीके हो गए, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, दूसरा आपका बॉइलिंग हो गया, तीसरा क्या होगा परसिस्टेंट डायलिसिस, और चौथा क्या हुआ, चौथा जो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया कोई भी अपोजिटली चाहे चार्ज आयंस का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और उसी चीज को बताने के लिए एक रूल है हमारे पास में जिसको बोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, हार्डी सुलजेस रूल। तो ये रूल क्या बोलता है, इस रूल को बोलने से पहले फिर से बात समझते हैं कि आपके पास में मान लो कि एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आप उसको प्रेसिपिटेट करना है तो आप क्या करोगे उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस के सॉल्यूशन को डाल दोगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्लॉकुलेटिंग आयन। तो हार्डी शुल्जे रूल क्या बताता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयंस एडेड ग्रेटर इट्स पावर ऑफ कोगुलेशन। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे या जितनी ज्यादा वैलेंसी का वो आयन होगा अपोजिटली चार्ज फ्लॉकुलेटिंग आयन मतलब जो प्रेसिपिटेट करवा रहा है आयन, उतना ही क्या होगा उतना ही उसके अंदर पावर रहेगी किसी भी चीज़ को प्रेसिपिटेट या कोगुलेट करने की। जैसे फिर से समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज देने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज में भी क्या रहेगा, हमारे पास जैसे ये तीन है, Al डबल पॉजिटिव है, एक बेरियम डबल पॉजिटिव है, और तीसरा कौन सा सोडियम सिंगल पॉजिटिव। तो अगर हम तीनों आयंस में से क्या करेंगे, अगर हम एल्यूमिनियम को लेंगे तो उसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है और ये क्या करेगा सबसे जल्दी प्रेसिपिटेशन को कॉज करेगा, ठीक है। या फिर इसको अदर वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें सबसे कम लेनी पड़ेगी। अगर हमें एक ही सेम वॉल्यूम के हमने तीन सॉल्यूशन ले लिए और उसमें से भी अगर हमने एक में एल्यूमिनियम ऐड किया, एक में बेरियम किया, एक में सोडियम ऐड किया, तो एल्यूमिनियम की क्या करेगा सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर या फिर जो उसकी जो ये फ्लॉकुलेटिंग आयन है इसकी कोगुलेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसी को उन्होंने बताया था हार्डी शुल्जे रूल ने। इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है तो उस पर क्या होगा नेगेटिवली चार्ज आयंस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उनके ऊपर वो उतने अच्छे से करेंगे। जैसे उनका एग्जांपल देख लेते हैं, Fe(CN6-4) एक ये है, दूसरा PO(4-3) SO(4)-। देखो यहाँ पे भी हमने तीन चार अलग अलग स्पीशीज ले लिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सोल है तो सबसे अच्छा प्रेसिपिटेशन कौन कॉज करेगा, उसका ये वाला मॉलिक्यूल कॉज करेगा। इसकी जो वैलेंसी है सबसे ज्यादा है मतलब -4 है, तो उसकी जो हमारी पावर है कोगुलेटिंग पावर वो सबसे ज्यादा हाई होगी। तो ये किसने बताया, ये उन्होंने बताया था हार्डी शुल्जे रूल ने। अब NCERT में लास्ट में एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि वॉट आर दी मॉडिफिकेशन यू विल सजेस्ट टू हार्डी शुल्जे रूल, कि आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन क्या सजेस्ट करेंगे। तो वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि चार्जेस तो अपनी जगह पे ठीक है कि हाँ भाई इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज है तो सबसे अच्छे से करेगा, उसके अलावा यहाँ पे साइज भी मैटर करता है कि जो आयन है वो कितना बड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में दो आयन है, इसमें बात है एल्यूमिनियम और बेरियम में, तो अगर बेरियम का क्या, अगर हम एल्यूमिनियम को क्या करें साइज बड़ा कर दें, चार्ज वही रखें, तो वो उतने अच्छे से उस काम को नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये एक दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ सिंपली ये लिखना है कि जो है चार्जेस के अलावा हमें साइज का भी ध्यान रखना है। तो जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो क्या करेगा उतने अच्छे से नेगेटिवली चार्ज
जो कोलाइडर सॉल्यूशन है उसको प्रेसिपिटेट करेगा। कैसे करेगा इसकी डिटेल हम लोग फिर कभी आराम से बात करेंगे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि चार्जेस के अलावा साइज भी मैटर करता है। ठीक, तो ये बात हो गई कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की। और इसके अलावा कोगुलेशन में ही क्या रहता है कि अगर मान लो लायोफिलिक और लायोफोबिक हमने पढ़े थे, दो टाइप्स के कोलाइडर सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो अगर कोई हमारे पास में लायोफोबिक कोलाइडर, तो लायोफोबिक कैसे होते हैं, ऑलरेडी वो कितना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी क्या कर दिया आयन वगैरह ऐड कर दिए तो वो आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक क्या तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट या बहुत ज़्यादा अपोजिटली चार्ज आयन का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेसिपिटेट होंगे। उसके अलावा क्या होते हैं, हमारे जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव कोलाइड इसलिए कहा जाता है कि वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपने लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स को मिक्स कर दिया, तो वो जो लायोफोबिक कोलाइड है उनके चारों तरफ जाके इकट्ठा हो जाएंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे वाटर से या फिर और किसी आयन से, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहा जाता है। ठीक, तो इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ दोस्तों ये कोलाइड्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब सिर्फ हमारे पास में लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है इमल्शंस। तो इन सबको यहाँ से हटाते हैं और फिर इमल्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है इमल्शंस। यहाँ लिख देते हैं। अब इमल्शंस क्या होते हैं, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था, ये होते हैं लिक्विड लिक्विड कोलाइडर सिस्टम, मतलब जो आपका डिस्पर्स फेस है वो भी लिक्विड में है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड में है। तो कैसे हो गए, ये हो गए हमारे लिक्विड लिक्विड कोलाइडर सिस्टम। ठीक है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडर सिस्टम हो गए। अब इसमें हमें दो टाइप के इमल्शंस पढ़ने, पहला पढ़ना है ऑयल इन वाटर और दूसरा पढ़ना है वाटर इन ऑयल। तो बहुत ही सिंपल है, अभी सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से और लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इधर मैं फर्स्ट टाइप लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑयल इन वाटर इमल्शन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वाटर इन ऑयल। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला क्या है, ऑयल इन वाटर या फिर ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। नाम से पता चला है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, मतलब वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है और ऑयल क्या है, वो डिस्पर्स फेस है। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, सब लोगों को पता है, वो है मिल्क। दूसरा एग्जांपल क्या है, वो है वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम क्या होती है, वैनिशिंग क्रीम मतलब एक ऐसी क्रीम जिसको आप अगर लगाओगे कहीं पे भी फेस पे, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के लगाने के बाद ही पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपने कुछ अप्लाई किया या नहीं किया है, तो इसलिए इसका जैसे गायब होने को बोलते ना वैनिश, वैसे है वैनिशिंग क्रीम। तो इसमें मिल्क में भी क्या हो रहा है, जैसे मिल्क में भी आप लोग अगर भी ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो ऐसे ऑयल के जैसा या फिर फैट के जैसा, थोड़ा सा ऑयल के जैसा मिल्क में दिखाई देता है अगर मिल्क प्योर है एकदम। तो मिल्क में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो लार्ज अमाउंट में क्या है वाटर है, और जो हमारा डिस्पर्स फेस है मतलब जो कम अमाउंट में चीज प्रेजेंट है वो क्या है, उसमें ऑयल वगैरह है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका ऑयल इन वाटर इमल्शन। दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि ऑयल बहुत ज्यादा है और उसके अंदर क्या है, वाटर डिस्पर्स्ड है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम जो है वो ऑयल है और डिस्पर्स फेज जो है वो है हमारा वाटर। एग्जाम्पल इसका बहुत ही सिंपल है, वो है इसका एग्जाम्पल बटर। उसके अलावा क्या है, क्रीम। ये भी देखो क्लियर ही है, बटर में भी क्या होता है, सारा का सारा एक तरह से क्या होता है, फैट या फिर ऑयल ही रहता है और बाद में क्या होता है, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा उसमें। तो ये हो गया वाटर इन ऑयल इमल्शन। अच्छा, अब बात थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ऑयल इन वाटर इमल्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। मतलब क्या होगा कि ये जो है, अगर आपने कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या करेगा कि जो ऑयल है वो वाटर से अलग होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनको इन वाले मतलब जो फर्स्ट वाला है हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन, इसको आपने कोई ना कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि क्या करे, इसको जो है स्टेबल रखे ऑयल इन वाटर इमल्शन को। तो उसके लिए मिल्क के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हैं, वो आपके प्रोटीन, गम, सिंथेटिक सोप। तो ये सारे क्या है, इसके लिए एक तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वाटर इन ऑयल के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, उसके लिए थोड़े से हैवी मेटल के सॉल्ट लेने पड़ते हैं, वो उसके लिए क्या करते हैं, एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट काम करते हैं। हैवी मेटल सॉल्ट्स हो गए या फिर इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड ले लीजिए, जैसे कि हमारा हो गया एल्कोहल हो गया या ईथर हो गया, तो वो काम करते हैं इसको स्टेबल करने के लिए। तो वो है इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट, और ऊपर वाले के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट है प्रोटीन, गम, सिंथेटिक्स, वो सब।
और इसमें और आपको एक खास बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मिल्क की बात करें, मिल्क क्या एक इमल्शन है किसका, ऑयल इन वाटर का, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। अब देखो अगर आप मिल्क को पानी डालते भी जाओगे ना तो भी कलर उसका वैसा ही रहने वाला है, वाइट कलर। तो लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आप मिल्क एक तो प्योर मिल्क एक में क्या पानी वानी आपने मिला दिया तो वो देख दूर से देखने में तो ऐसे वाइट ही नजर आएगा, कुछ ना डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें देखो चेक करोगे तो ऑयल, जैसे मैंने बताया कि अगर प्योर मिल्क को उसमें थोड़ा बहुत ऑयल की जैसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ है सरफेस पे, उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो तो इतना डाइल्यूट हो गया। तो जो लोग नकली दूध वगैरह बनाते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने दूध में बहुत सारा पानी मिला दिया, वो कलर तो वाइट ही था लेकिन उसमें ऑयल जैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो वो क्या करेंगे उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें कोई ना कोई ऑयल डाल दिया अलग से, एडिशन, मतलब जो मिल्क का प्योर नहीं है, जो मिल्क में फैट रहता है वो नहीं है, उन्होंने अलग से डाल दिए। अब फिर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने बताया था कि ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट के नाम पे वहाँ पे डिटर्जेंट मिला देते हैं, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो वाला सिंथेटिक मिल्क हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं मिल्क की जगह पर डिटर्जेंट हमें मिल रहा है। तो वहाँ पर वो लोग डिटर्जेंट करके अपना तो काम बढ़िया कर लेते हैं लेकिन उससे हमें परेशानी होती है। तो ये तो बस ऐसे ऐसे एक जनरल नॉलेज की बात थी जो मैंने आपको बता दी आपकी बुक में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हो गए हमारी इमल्शन की बात यहाँ पे खत्म। अब लास्ट में बात करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी कोलाइडल चीज़ें हैं उनके बारे में, कोलाइड्स अराउंड अस। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्काई, दिन में देखो एकदम ब्लू स्काई दिखाई देगा, क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि जो वहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर कर रहे हैं। तो क्या है स्काई, एक हमारा कोलाइडल सिस्टम है। उसके अलावा फॉग, मिस्ट, रेन, ये भी सारे कोलाइडल सिस्टम है। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम फूड मटेरियल्स की बात करें, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गई, तो ये सारी की क्या है कोलाइड्स, अभी आपने पढ़ लिया इमल्शंस हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ब्लड एक कोलाइडल सिस्टम है, सॉइल एक कोलाइडल सिस्टम है, डेल्टा क्या होते हैं, जैसे कि कहीं पे अगर रिवर वाटर, और रिवर वाटर स्वीट वाटर कहलाता है, इसमें आइंस वगैरह नहीं होते ज़्यादा, और अपना ये सी वाटर, इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी भी रिवर वाटर और सॉल्ट वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाता है डेल्टा, मतलब क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है सैंड इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी आके, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा भी क्या है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। तो ये तो हो गए इन जनरल कोलाइड्स अराउंड अस। अब लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स की, कि जो कोलाइड्स हम लोग इतना सारा चैप्टर पढ़ाया है हमने, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहले एप्लीकेशन आप बुक से ही पढ़ लेना, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। पहला क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जो फैक्ट्रीज रहती है उसमें चिमनी होती है, चिमनी से क्या रहता है बहुत सारा धुआं निकलता है जो भी उस कंपनी में या फैक्ट्री में काम हो रहा है उससे रिलेटेड। उसमें क्या होता है, या फिर इवन उसको छोड़ो अपने व्हीकल्स में देख लो, व्हीकल्स में भी क्या होता है कि जो भी हमारे फ्यूल्स बर्न होते हैं पेट्रोल या डीजल, उसके बाद में उसका क्या होता है एमिशन बाहर निकलता है व्हीकल से, इंजन से। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, अगर प्रॉपरली वो वहाँ पे कंबशन नहीं हुआ है। तो ऐसी चिमनीज में भी बहुत सारी ऐसी होती हैं गैसेस जो कि हार्मफुल गैसेस होती हैं, उस स्मोक के थ्रू बाहर निकलती हैं। अब स्मोक क्या है, स्मोक आपका एक कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सिस्टम पे जैसे कि भी मैंने बताया कि या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर हम लोग क्या करें जो चिमनीज हैं उसमें क्या करें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स को लगा दें या फिर इलेक्ट्रोड्स को लगा दें, तो जब भी उसमें से वो स्मोक पास होगी, जब वो धुआं पास होगा जिसमें बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, वो क्या होगा कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट से जाके अटैच हो जाएंगी वो सारी हार्मफुल चीज़ें, या फिर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव वाले से जाके अटैच हो जाएंगी। तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये गाड़ी के व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं। तो वो एक हमारा क्या होगा, एक तरह से एप्लीकेशन होगा कि हमें कोलाइड्स के बारे में पता है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया वो ऐसे प्रेसिपिटेटर बना लिए जिससे कि अब जो हार्मफुल गैसेज हैं उनका इमिशन डायरेक्ट इन्वायरमेंट में कम से कम हो। तो पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा यह प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में भी क्या रहता है, थोड़े बहुत ये कुछ तो इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहती हैं या फिर कोई मान लो और सारी चीज़ें हैं जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ रही है, जैसे कि थोड़ा सा ये भी हो सकता है अपना सैंड वगैरह भी आ सकता है। तो उसमें क्या करोगे, अगर आप एलम मतलब जो उसको फिटकरी बोलते हैं, अगर आप उसमें वो डालोगे तो वो क्या करेगी, उसको प्रेसिपिटेट कर देगी, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी और वाटर जो है वो आपका ड्रिंकिंग के फिट हो जाएगा, मतलब कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। ये हो गया। तीसरा क्या है, मेडिसिन में भी क्या है, बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके मैं एक आपका एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि एक है कोलाइडल एंटीमनी क्या होता है, SB। ये किसके लिए यूज होती है, एक डिजीज होती है इसको बोलते हैं काला आजार, उसके लिए दिया जाता है। दूसरा होता है कुछ आर्गेरॉल, आईगोरोल, ये तरह से क्या होता है, ये आपका जो है आई ड्रॉप्स में होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कोलाइडल गोल्ड हो गया। कोलाइडल गोल्ड क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में दिया जाता है।
तो बचपन में जितने भी बच्चों को जो टीके वगैरह लगते हैं वो सारे के सारे होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और उसमें पोलाइटल गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है आपका कुछ तो MgOH2 2। इसको क्या होता है, इसको हम लोग देते हैं स्टमक डिसऑर्डर में, बेसिकली एसिडिटी हो जाती है तो उसके केस में इसको दिया जाता है MgOH। तो ये सारे के सारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सोप हो गया, सोप का मैंने आपको बताया था क्लीनिंग एक्शन बताया था पूरा माइसल्स बना के, सोप हो गया, लेदर इंडस्ट्री है उसमें भी जो है, लेदर इंडस्ट्री में भी लेदर को हार्ड करने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें तो रबर हो गई, फोटोग्राफी प्लेट हो गई, पेंट्स वगैरह जितने भी हैं, डाइस जो भी हैं, ये सारी की सारी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये सब क्या है, एक तरह के कोलाइड्स की एप्लीकेशन है। तो ये सब आप लोग बुक से पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना है नहीं, एक बार कहीं पर तो लिख कर रख लेना अपने नोटबुक में, ताकि आपको लॉन्ग टाइम आगे क्या हो बुक से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, आप वहीं से अपने नोट्स में से देख लो। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी लोग, कोई लोग बोल रहे हैं कि सर ने पी ब्लॉक बना दो, कुछ लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर बनाने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स बनाने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। तो फिलहाल वीडियो तो यार एक ही बन पाएगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे वीडियोस बना पाऊँ, एक एक करके जरूर बना दूंगा सारे। तो अभी क्या करें, तो कुछ नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम अप्लाई करते हैं फिर से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोल क्रिएट करता हूँ, उसमें चार पांच चैप्टर के नाम लिख देता हूँ, आपको जो भी आपको चाहिए अभी अर्जेंटली, जो भी चैप्टर आपको लग रहा है उस चैप्टर को आप सेलेक्ट कर लो। फाइनली एट द एंड ऑफ 2 or 3 days जो भी चैप्टर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उसी को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग वही रखेंगे। उसके अलावा हम लोग ऑलमोस्ट 9000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जैसे ही 10000 सब्सक्राइबर होंगे तब एक रखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, और लाइव स्ट्रीमिंग मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट वीक तक ये हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ हैदराबाद। तो अगर आप लोगों में से कोई हैदराबाद में है और मेरे से मिलना चाहता है तो आप कमेंट्स में बताइए, अगर कुछ 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं मिल सकते हैं तो एक हम शॉर्ट मीटअप रख सकते हैं हैदराबाद में, तो वो लोग आप कमेंट्स में बता देना। तो दोस्तों बस फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को रिप्लाई करूं। अगर आप लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो अगेन गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू, आई सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।